एक्सीडेंट टाइप हो गया है, लड़के आपस में भिड़ गए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम करने वाले हैं अपने पीछे ग्राउंड की सफाई। तो ये पूरा ग्राउंड है, इसमें सफा करना है हमको। ये देखो, है ना। तो ये लिया है लकड़ी का, हम लोग खरारा इसको बोलते हैं देसी भाषा में। और इधर पूरा करना है, इधर हमारे भैया जी हैं। भाई गुड मॉर्निंग भैया जी। गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या हुआ? बैठिए। कौन बैठेगा? अरे कोई नहीं, हम कोई नहीं आएगा। है कोई नहीं आएगा सही में? अरे तो फिर भी अपना घर यार सफा करना जरूरी है। अरे कुछ आवाज़ पता चल जाता है कुरकुराहट से ना करें, बताओ। चलो ठीक है। तो भैया जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी पत्ती सूखी पड़ी ना, कोई आता है तो खुरबुराहट से पता चल जाता है कि कौन चोरी करने आ रहा है, कौन क्या करने आ रहा है। तो ये प्लान फिलहाल हम कैंसिल करते हैं और चलते हैं घर में, कुछ ना खाना खा लेते हैं। सेवई खाओगे? सेवई खाओगे? नहीं अंदर आप सेवई खाओगे? सेवई क्या, मैं जा रहा हूँ शहतूत खाने। शहतूत देखो इतना बंदर का, मतलब इसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिए कि नॉर्मल बचा कभी कभी, लेकिन आज भी पके हैं एकदम ब्लैक ब्लैक। ये देखो है ना पास में, बाकी ऊपर है यार, एकदम मीठा है यार शहतूत। भैया अब जो शहतूत बचे हैं ना, एकदम मीठे मीठे यार, खट्टे वाले क्योंकि पक चुके हैं ना एकदम यार, इनको तोड़ ले तो मज़ा आ जाए। अरे यार गिर जा रहा है। बाकी देखो गाइस, पहले कितना फरा था, पुराने वाले ब्लॉग में देखो कितना इसमें शहतूत थे, और आज के ब्लॉग में देखो एकदम ख़त्म हो चुके हैं। पत्तियाँ पत्तियाँ बस बची हैं, बाकी पूरा शहतूत ख़त्म है, वो भी कहीं कहीं लगे हैं और बाकी तो कुछ है नहीं है। इधर यार सफ़ा करना था, लेकिन पता है इसमें आते हैं ना कोई रात में ना कोई भी, तो इसमें पता चल जाता है कि कोई आ जा रहा है, क्योंकि पत्तियाँ सूखी पड़ी हैं, खुसखुसाहट की आवाज़ आती है, तो सब समझ जाते हैं हम लोग कि कोई आ तो नहीं रहा घर के पास, मतलब चोरी के उद्देश्य से। मम्मी जी आ गई। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। इसको सफ़ा करना था लेकिन भैया ने मना कर दिया, कह रहे हैं कोई आता जाता है तो पता चल जाता है, अगर सफ़ा रहेगा तो सब लोग देखेंगे, बैठेंगे यहीं दोपहर में, उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, है ना। तो आप क्या कर रही हो? क्या मम्मी, मम्मी कोई काम ही नहीं है, मम्मी फ्री रहती हैं। देखो कूड़ा फेंक दी ना पीछे, गंदगी है। इस बार शायद अगले महीने काम लग जाएगा ना, इधर ईटा का है पता नहीं, ईटा आ जाएगा ना, है ना भैया। धन्ना सेठ तो है ही है। हमारी प्यारी मम्मी जी गुस्सा होते हुए, क्यों आज क्या बन रहा है? दाल बस इतना चीज, वाह इन्हीं के मजे हैं, करवा करेला दाल चावल रोटी। यार मम्मी शहतूत अब जो लगे ना मीठे वाले हैं, लेकिन बहुत मीठे, बहुत मीठा, खट्टे वाले सब खत्म हो गए, लेकिन दूर दूर लगे हैं, ऊपर से मिलेंगे नहीं, है ना, नहीं मिलेंगे, सब खत्म हो गए। नीचे हैं वो भी कहीं कहीं, वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ जाए अगर मिल जाए खाने में, मज़ा आता है खट्टे खट्टे। अब चलते हैं घर के अंदर, ठीक है, तो कुछ खा लेते हैं यार, भूख लगी है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो देखते हैं क्या बना है खाने में। खाना क्या, अभी नाश्ता होगा कुछ ना कुछ, लेकिन शहतूत खाने का बहुत मन है। एक और देखता हूँ, इधर पास में दिख रहे हैं, ये देखो मिल गया ना, एक ये मिला हमको शहतूत और एक ये लगा है, दो, एक ये, तीन, मतलब जितने भी आपको मिलेंगे, देखो ये है ना, ये जितने मिलेंगे एकदम ब्लैक वाले मिलेंगे, इनको खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। थोड़ी देर अभी शहतूत खाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा घर के अंदर, देखता हूँ क्या है। मुझे लगता है सेवई बनी, क्योंकि मम्मी अभी कह रही थी ना तो सेवई खा लो चल के, लेकिन पहले तो हम शहतूत खाएंगे ना। किचन में बनी है सिवई, ये रखिए ना, बोला था ना सिवई बनी है, तो इसी को खा लेते हैं और उसके बाद जाते हैं घर के बाहर। देखो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी पता क्या कर रही हैं, गेहूँ धुल रही हैं। तो चलते हैं पहले खाकर बाहर और मिलते हैं सीधा मम्मी जी से। अभी मुलाकात हुई थी लेकिन सुनाई मिली कि बाहर गेहूँ धुल रहे हैं, तो चलते हैं पहले बाहर देख लेते हैं। तो अभी हम लोग बैठे हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, हम और भैया का, भैया जी मजे हैं। तो आज आपको दिखाते हैं अपना रजिस्ट्रार साहब, जो कि वो तो नहीं है, उनके दर पर कोई है, एक वो देखो उधर बयान ले रहे हैं, ये हल्का स्पेस दिखा ना, वही बयान ले रहे हैं, और ये हम सब बैठे हैं रजिस्ट्री ऑफिस हम लोगों का। कभी भूख लगी है, अभी जाकर कुछ खाते हैं, कुछ आज दाढ़ी यार छोटी करके अच्छा नहीं लग रहा ना,
हमारे वकील साहब। वकील साहब, ओ वकील साहब नमस्ते छोटा देवा। हम आए हैं पकौड़ी खाने कैंटीन में, भैया जी बैठे हैं और हम पकौड़ी उधर से आ रहे हैं। आगे अपना सेरा क्या हुआ काले कुल्ला पेट देखो मटकी। राजन भाई लाओ यार पकौड़ी दो। हाँ हाँ देखो मुरैचा वाल। वकील साहब नमस्कार। नमस्ते। और क्या हाल है? मस्त हो? ये पंखा चला है भाई, ये पंखा चला ना, गर्मी लग रही है। तो आ गई पकौड़ी विथ चटनी। ए भाई फैन चला यार, तुम लोग पैसा लगे चटनी हो जाए हो जाए। हाँ हाँ एसी लगवा दो तो आराम मिल जाए। इतना और का यहाँ से पैक कराओ सीधा एसी मार दो। हाँ ये जगह फालतू तो पड़ी है, रात में सोए के लिए हो जाए तुमका। कहो राजन भाई। हाँ चार कुर्सी डला दो आराम से फैन चलाओ। तो अभी हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी, ये देखो कितनी प्यारी पकौड़ी है, चटनी बड़ी खतरनाक है भैया। गुड मॉर्निंग, यह है वीडियो का दूसरा दिन, ठीक है। तो कल आया था यार, रात हो गई थी, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था कोर्ट से आने में, तो उधर से दाढ़ी वाड़ी सब बाल वाल कटवा आया था, लेकिन अभी ऐसे करने में बाल लगते हैं हाथ में। तो कल नहाया भी नहीं था क्योंकि रात हो गई थी ना, नहाना उचित नहीं समझा, नहीं तो ठंड लग जाती है। अब सुबह से देख रहा हूँ मम्मी काम कर रही हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग, सुबह से काम कर रही हो? हाँ हाँ भी हाँ ठीक है। फूल फूल तो यहाँ की पत्तियाँ लगा के कूलर फिट का ही थे। अच्छा यहाँ हाँ। कूलर रखा है इसमें रख दे तो यह सब बीत बीत यहाँ हट जाओ साफ हो जाओ सही पर जितने पर ईंटा पर हो उतना होगा नहीं ईंटे तो उतने लगाना पड़ेगा ना जितने लगे हैं। अभी राहुल जग जाए तो उससे उठवा के इधर रखवा दे। ईंटे तो हाँ रख ले रहे हैं। अरे पापा जी गुड मॉर्निंग। वाह 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 शीश गोला गोला उठा के अलमारी के नीचे डाले दे रहा हूँ। तो हमारी प्यारी मम्मी जी यहाँ झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही हैं और कोई काम नहीं इनको बचा है, और हम तो अपना मस्त वीडियो बना रहे हैं। गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कल हमारी बाइक है दोनों बाइक और कार। हाँ 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 बेच देंगे। तो आज हमको ये सेल करना है साइकिल, और वहाँ कूलर के फैन रखा हुआ है। तो हमारी बाइक बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि नीचे कीचड़ लगा है ना ये देखो, तो इसको भी आज टाइम निकाल कर धुलते हैं। अरे ऐसे कर दो रहने दो वहाँ, इसको भी आज धुलेंगे टाइम निकाल कर क्योंकि आज थोड़ा छुट्टी है, लेकिन टाइम लगे या ना लगे उसके ऊपर है, अभी से हाँ नहीं कर सकते। और ये रही हमारी कार जो कि ये भी आज गंदी हो चुकी है, इसमें भी आज धुलाई करना है। ये देखो कीचड़ लगा है ना, मतलब कल संजू बाबा लिए थे तो वही है, अभी वो कह रहा था हम आकर धुलेंगे खुद ही, तो उसको ही देंगे धुलने के लिए, जब बोल रहा है धुलने के लिए धुलेगा। और बाकी यहाँ हमको करना है सफाई, देखते हैं क्या हुआ। हाँ फेंक दो कबाड़ में। हाँ कबाड़ में। तो मम्मी वो आज एक पड़ी थी ना जो कूलर के ऊपर दिखाया था, तो वही पूछ रही सुख करना है, हमको फेंक दीजिए। तो अब चलते हैं इसमें वही झाड़ू लगाते हैं। अपना झाड़ू कहाँ है? झाड़ू तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसी को उठा लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। और अरे वाह इसमें चींटियाँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी इसको उठा के, अरे यार इसमें से आराम रहता है ना लगाने में, ये देखो एक बार में हो गया। तो इसको जल्दी से मैं लगा लेता हूँ पूरा, इधर पूरा क्लियर हो गया, क्लीन हो गया, इधर भी हो गया। अब चलते हैं घर के अंदर, देख लो इनका पता नहीं क्या कर रही हैं उधर। क्या कर रही हो? कहाँ है तकिया? कौन है वो गुरुआई नहीं हुआ? देखो चलते हैं अंदर देखते हैं कौन कौन जगह कौन कौन नहीं जगह। ए उड़ो देख लो, राहुल तो अभी ये सो रहा है। पैर कहाँ है? अच्छा मुंह इधर है। गुड मॉर्निंग, देखो ये सो रहा है,
और इधर हमारे भैया जी सो रहे होंगे। अच्छा भैया जी गुड मॉर्निंग, उठो, इनका तो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, खोलोगे? दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। और कैसे ये रहे हम, देखो यार सुबह से बनिया इनसे स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब पता है क्या है, अब जाएंगे मुंह हाथ धुलेंगे, ब्रश करेंगे और उसके बाद कुछ डिनर नाश्ता करना है। तो आज देखते हैं क्या है नाश्ते में। नाश्ते में तो ये रखा हुआ है, ये है अंगूर सेब, और तो कुछ है नहीं है। बाकी देखो ये रूम बन गया ना, तो इसमें एकदम क्लियर आ रहा है। फ़ैन काफ़ी गंदा पड़ा है, इसको भी क्यों सफ़ा करना है। आज छुट्टी है तो आज सारे सब कुछ सफ़ा होंगे। और इधर मम्मी का मोबाइल है जो ख़राब हो चुका है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखना लाइनिंग आ रही होगी, ये देखो हमारी बिट्टो है, खुल गया, लाइनिंग आने लगेगी अभी। ये देखो इसमें नहीं कैमरा में समझ में आ रहा है ज़्यादा, लेकिन इसमें है, हम बता रहे हैं ना, है इसमें। ये देखो मम्मी जी हैं, तो इसको रख देते हैं और अब करते हैं ब्रश। ब्रश के लिए हमको जाना पड़ता है यहाँ, कहाँ, इस स्थान पर, क्योंकि हमारा रखा हुआ है इसमें ब्रश, ये ब्रश रखा है ये मंजन, तो इसको भी जल्दी कर लेते हैं। फाइनली ब्रश कर लिए और करते हैं हम नाश्ता। नाश्ता तो बोला था ना अभी क्या है, तो वही कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं आज गाड़ी की मैट थोड़ा धुल देते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है अंदर से, उसको अंदर क्लीन करना है उसके बाद बाहर का। तो फिलहाल नाश्ता करके मैं निकलता हूँ बाहर के लिए। रही अपनी कार, इसमें अनलॉक कर दे, उसके बाद देखते हैं मैटी, उसकी सारी मैटियाँ निकाल लेते हैं। यार देखो कितनी गंदी है यार, इसको निकाल लेते, उस दिन सफ़ा किया था लेकिन फिर से गंदी है। एक सबसे ज़्यादा गंदी पता कहाँ वाली होगी, बैक वाली, बहुत ज़्यादा ही गंदी। ये देखो यार मूड ख़राब हो रहा है अब, चलो इसको फ़िलहाल निकालता हूँ यार मैटी। यार आजा आजा आजा, गाड़ी सफ़ा करना है, करेगा? कहाँ है, कहाँ जान, स्कूल है? अरे यार हम तो सोचे आज सफ़ा हो जाएगी गाड़ी, कर दे भाई, इसमें बैठ के निकालना पड़ेगा यार, मैटी बहुत ज़्यादा गंदी है। लेकिन जा रहा है, चल जा, देखना अभी, हाँ एक बार देखना। देखो वो तो निकल गया, क्योंकि उसका स्कूल था ना, तो वो तो गया। ये देखो यार काफ़ी हद तक गंदी है कार मेरी, कोई के हुआ नहीं, मतलब इसका नहीं करने वाला है ना, क्या बोलते हैं, देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सही शॉट मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता। तो एक मैटी और बच्ची है इसकी, ये देख लो, मैं क्या बताऊँ यार। चलो खैर इसको भी उठाते हैं, ये गई, इसको भी निकालते, इतनी धूल दिख, समझ लो ऊपर वाली मैटी से नीचे वाली मैटी में आ गई धूल। ये देखो कितना कूड़ा यहाँ पड़ा है साइड साइड में, ये वायर अभी कटिंग की पड़ी है, ये लो फिर। तो गाइस अब चलते हैं सीधा कार को धुला लाते हैं, क्योंकि कार अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है ना, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा धुलाने। बट देख लो धूप इतना तेज है यार फेस में आ रही है, क्योंकि हम पूर्व की तरफ चल रहे हैं ना, पूर्व दिशा की तरफ, तो धूप सामने से आएगी ना, तो देखो अंदर एकदम धूप ही धूप है। तो दिखाता हूँ आपको कहाँ ले चलना हूँ आजकल कार धुलाने। ये देखो इतना धूप आ रही है ना सामने से, तो इसके वजह से है फेस में पूरी लाइट लाइट आ रही है, और धूप की वजह से कैमरा उतना अच्छा नहीं चल पाता है। तो चलते हैं फिलहाल, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ, कहाँ, जहाँ हमको कार धुलाना है। गाइस फाइनली हम आ गए, देखो वहाँ एक्सीडेंट टाइप हो गया है, लड़के आपस में भिड़ गए हैं। तो यहाँ हमको कार धुलाना है, चलते हैं लेकर। गाइस अपने कार में फाइनली वैक्यूम क्लीन हो रहा है, ये देखो उधर भाई भी है ना, ये यहाँ वाला भी एकदम मार दिया, जो पेड़ नीचे है ना, एकदम सफ़ा हो जाती है इसमें से ना कार।
ये हर पीछे से लुक पूरा कार का, और पीछे ये देखो इतना गंदा है, देखो ये सब ये कितना भयानक गंदा है ना। अपनी कार मस्त धुल गई और वहाँ लगा के अब इसको करेंगे सफ़ा। अरे अरे साले लोग, बहुत डर लगता है कार और बैक करने में। देखो वहाँ खड़ी हो गई। तो गाइस सब यहाँ से जाएंगे सीधा घर और नहाएंगे धोएंगे, और आज के व्लॉग यहीं पर अभी निकल रहे हैं। आई होप मेरा वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करते, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करते। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।